नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 11। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप अमेरिका से हो, चाहे आप चाइना में हो, चाहे आप जापान में हो, आप जो है एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करोगे और वो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम। तो दोस्तों, सभी देश जो है ट्रैफिक से आज के टाइम पर जूझ रहे हैं और काफ़ी ऐसे चीज़ें जो है निकाले जा चुके हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें निकाले जा रहे हैं जिनके कारण हम लोग जो है ट्रैफिक को अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक जाम्स को रोकने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस बनाए हुए हैं। तो इन्हीं डिवाइसेस के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का ये लेक्चर। और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और उन्हें जो है ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना है। तो उनके लिए भी ये वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वो लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग कौन कौन से ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और आने वाले टाइम में ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स होंगे जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक के बाद एक हम लोग सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का ये लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है वो आखिर एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हमारा आ रहा है ना, डिवाइसेस का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि कोई मशीन या फिर कोई इक्विपमेंट होना चाहिए हमारे पास, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रोड में जो पट्टी वगैरह डाला जाता है, रोड में जो मार्किंग किया जाता है, वो भी एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में ही आता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जो है आज के टाइम पे कॉमनली जो है चार तरह के ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। पहला है हमारा रोड साइंस, दूसरा है हमारा रोड मार्किंग्स, तीसरा है हमारा रोड सिग्नल्स एंड चौथा है हमारा ट्रैफिक आइलैंड्स। तो दोस्तों, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस का ही यूज़ करना है, यानी कोई मशीन्स का ही यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पर कोई भी छोटे मोटे ऐसे चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, रोड मार्किंग्स हो गया, ट्रैफिक आइलैंड्स हो गया, ये सभी कोई डिवाइसेस तो है नहीं, लेकिन हम लोग इसको एज अ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूज़ तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइसेस का मतलब आप ये मत समझ लीजिए सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स ही हमारे लिए जो है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमें ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हेल्प करता हो, चाहे वो रोड में एक दागी ही क्यों ना हो, उसी दागी को हम लोग जो है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में गिनते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर चार चीज़ डिस्कस किया है, चारों को हम लोग एक एक करके डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोड साइंस। अब यार, ये रोड साइंस क्या होता है? दोस्तों, रोड साइंस एक्चुअली वही चीज़ है जो कि आप रोड में गाड़ी चलाते वक्त साइड में आजू बाजू में खंबे गाड़े हुए कुछ देखते हैं ना, जिसमें कि कुछ हमारा फोटो वगैरह चिपका हुआ रहता है या फिर कुछ लिखा हुआ रहता है, धूम्रपान करके गाड़ी चलाना मना है, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, या फिर कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि रोड आगे जाके मुड़ने वाला है, या फिर स्टॉप का साइन होता है, और या फिर कहीं हॉस्पिटल वगैरह हो या फिर स्कूल्स वगैरह हो तो उसका नोटेशंस के लिए हमारे पास साइंस होता है ना। तो यही सब जो है रोड के आजू बाजू जो हमारा खंबा गाड़ा हुआ रहता है ना, जिसमें हमें बताया जाता है कि आगे जाके यार मुड़ना है, आगे जाके रुकना है, आगे यार स्कूल है, धीरे चलाएं, तो यही सब होता है हमारा रोड साइंस। तो यार, अकॉर्डिंग टू इंडियन व्हीकल एक्ट, हमारा जो रोड साइंस है इनको थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेटरी साइंस, जिसको हम लोग मैंडेटरी साइंस भी बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वार्निंग साइंस, फिर हमारा नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेटरी साइंस। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेटरी साइंस। अब रेगुलेटरी साइंस, जिसको हम लोग मैंडेटरी साइंस भी बोलते हैं, वो क्या होता है? ये साइंस जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई साइन दे ना दे रोड में, लेकिन आपको रेगुलेटरी साइन यानी कि जो मैंडेटरी साइंस होते हैं, इनको आपको देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, रेगुलेटरी साइंस में हमारा आता है स्टॉप साइन, फिर गिव वे साइन की किधर आपको जाना है, स्टॉप साइन की कहाँ पर आपको रुकना है, और इस तरह के कुछ साइंस होते हैं। और यार, ये जो साइंस होते हैं जनरली इस तरह के खंभे में दिए जाते हैं, जहाँ पर एक गोल चक्री जैसा हमारा ऊपर में हेड होता है और बीच में जो है हमारा एक डेफिनेशन प्लेट वगैरह होता है कुछ। आमतौर पर ये हमें डेफिनेशन प्लेट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन
जो ऊपर में हेड होता है हमारा, सर्कल सर्कुलर हेड होता है, वो सभी साइंस में, सभी सिग्नल्स में जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यार जितने भी मैंडेटरी साइंस होते हैं ना, इनमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा, और वो है इसका हेड। इसका हेड जो है दोस्तों, वो हमेशा गोल ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दो चीज़ है जो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन में आ जाता है, और वो है एक स्टॉप साइन और एक गिवे साइन। क्योंकि दोस्तों जो स्टॉप साइन होता है ना, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, वो ऑक्टागोनल शेप में होता है, और उसमें जो है हमारा बॉर्डर्स जो होता है वो वाइट कलर का होता है, और जो लिखा हुआ होता है उसमें स्टॉप STOP बड़े बड़े अक्षर में, वो रेड कलर से लिखा हुआ होता है। या फिर कई बार होता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखे हुए हो सकते हैं। जनरली हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो स्टॉप साइन में स्टॉप जो है वो जनरली इंग्लिश में लिखा जाता है। और दोस्तों जो हमारा गिवे साइन है, उसका जो हेड होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में होता है, जो कि वाइट कलर का होता है, और हमारा जो उसका बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है। तो दोस्तों ये दो एक्सेप्शन थे, तो इनको जो है छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे साइंस होते हैं, मैंडेटरी साइंस, सभी का जो है शेप गोलाकार ही होता है, गोल टाइप का ही होता है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी जो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, ये सभी जो है दो हैबिटरी साइंस इनको कहा जाता है, और इनको जो है हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ये ऐसे साइंस होते हैं जिनको हमें फॉलो नहीं करना होता है। ठीक है, दो हैबिटरी साइंस मतलब इनको हम लोग प्रो हैबिट करते हैं, इनको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब जो चीज़ दिया हुआ ना, जैसे यहाँ पर काटा हुआ है, तो ये किस तरह का होता है आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये एक वाइट बैकग्राउंड होता है, जिसमें कि हमारा जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है, और जो हमारा साइन होता है वो ब्लैक कलर में होता है, और जो हमारा एक ऑब्लिक टाइप का दिया हुआ है, जो कि काटा हुआ टाइप का है ना, वो रेड कलर का होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रोहैबिटरी साइंस, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ्ट टर्न जो है प्रोहैबिट किया हुआ है, राइट टर्न प्रोहैबिटेड है, यू टर्न प्रोहैबिटेड है। तो इस तरह के जो है हमारे यहाँ पे कुछ टर्निंग्स है जो कि प्रोहैबिटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोहैबिटेड साइंस हम लोग उन साइंस को कहते हैं जिनको हमें फॉलो नहीं करना रहता, यानी कि जो साइंस वहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे कि लेफ्ट टर्न प्रोहैबिटेड है, यानी कि हमें लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। ओके, तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और प्रोहैबिटेड साइंस होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फिगर्स हैं ना दोस्तों, ये सभी ऐसे बनाए जाते हैं ताकि कोई भी अनपढ़ गवार आदमी भी समझ सके। तो आप लोग तो यार इंजीनियर्स हो, एक बार आपको खाली इनको जो है ऊपर ऊपर में देखना है, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन सभी चीज़ों से, इन सभी साइंस से जो है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऑप्शनल क्वेश्चंस में। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, साइंस को आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोहैबिटेड साइंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन। तो यार ये भी आपको अपने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, किस तरह से आप देख सकते हैं नो पार्किंग साइन होता है और नो स्टॉपिंग साइन होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइंस। तो ये भी देख सकते हैं आप दोस्तों स्क्रीन पर, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर जो है हाइट लिमिट दिया हुआ है, स्पीड लिमिट दिया हुआ है, लेंथ लिमिट दिया हुआ है, लोड लिमिट दिया हुआ है, वेट लिमिट दिया हुआ है, एक्शन लोड लिमिट दिया हुआ है। तो इस तरह के दोस्तों कुछ साइंस होते हैं जो कि हमारे स्पीड लिमिट्स में आते हैं और व्हीकल कंट्रोल साइंस में आते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों कंपलसरी डायरेक्शन साइंस, जो कि कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट टर्न है, गो स्ट्रेट है, राइट टर्न है, इस तरह टाइप का कुछ साइंस होता है जो कि हमारा डायरेक्शन को दर्शाता है। तो ये सब तो आप लोग समझ ही जाएंगे, देखने से ही पता चल रहा है क्या कौन सा टर्न होता है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन एंड साइन। अब जो है हमारा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर होता है, कहीं पर ऐसा होता है ना, रोड में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होता है, या फिर रोड ख़राब होता है, तो वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यानी कि उस जगह में हमें जाना मना होता है। तो उसके लिए जो है दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह का साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में रिस्ट्रिक्शन एंड साइन जो है किस तरह का होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने जितना भी साइंस वगैरह देखा, ये सभी रेगुलेटरी साइन के अंदर आता है, यानी कि जो मैंडेटरी साइन है उसके अंडर आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वार्निंग साइंस। तो वार्निंग साइंस क्या होता है चलिए देखते हैं। अब दोस्तों जो हमारा वार्निंग साइन होता है ना, उसका बोर्ड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है, एक खंबा गाड़ा हुआ होता है, जिसका हेड जो होता है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप में होता है, जिसका जो टॉप होता है वो पॉइंट किया हुआ रहता है ऊपर की तरफ, और नीचे में हमारा जो है एक्सप्लेनेटरी प्लेट होता है, जिसमें कुछ उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जाता है। आमतौर पर हम लोग ये ज़्यादातर नहीं देख पाते हैं, सिर्फ हम लोगों का ऊपर वाला हेड जो है वो ज़्यादातर जो है सभी जगह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह का जो है दोस्तों हम लोग वार्निंग साइंस के लिए जनरली
ऐसे शेप के कुछ जो है साइंस का यूज़ करते हैं जिनमें हमारा जो हेड होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है। इसके पहले आपने जो है गिवे साइन देखा था, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में था, लेकिन उसका जो ट्रायंगल था वो उल्टा था, उसका जो नीचे की पोर्शन में वो जो है नीचे की तरफ झुका हुआ था, लेकिन ये ट्रायंगल जो है ये सीधा है, इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ पॉइंट किया हुआ है ना। तो इसी तरह से जो है हमारा यहाँ पर वार्निंग साइंस को इक्विलेटरल ट्रायंगल में शो किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह का प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसे साइंस दिख रहे होंगे जो कि हमारे वार्निंग साइंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा राइट हैंड कर्व साइन है, फिर हमारा लेफ्ट हैंड हेयर पिन बैंड साइन है, फिर हमारा फेलिंग रॉक साइन है, ठीक है, मेन एट वर्क साइन है। तो ये सभी जो है वार्निंग के लिए है हमारा, ठीक है, आगे जाके आपको इधर मुड़ना है नहीं तो आप गिर जाएंगे खाई में, ठीक है। यहाँ पर जो है फॉलिंग रॉक यानी कि यहाँ पर ढीला ढाला मिट्टी है, हो सकता है कि पत्थर वगैरह गिर जाए, ओके, आगे जाके जो है डेंजरस है। तो ये सभी जो है हमारे लिए वार्निंग का साइन है, जो कि इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का शेप में होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल वगैरह का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह का जो है पेडिस्टल क्रॉसिंग, ये सभी जो है हमारे लिए वार्निंग का साइन है, ठीक है। तो इस तरह का हमें जो है वार्निंग के लिए साइंस दिया जाता है। तो इन सभी साइंस को जो है आप अच्छे से एक नज़र दौड़ा लीजिए, एग्ज़ाम में एक दो बार जो है ये पूछ लिया जाता है। और यहाँ जो लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए तो ये साइंस वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये साइंस वगैरह जो है आमतौर पर उनके लर्निंग लाइसेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेटरी साइन। तो इन्फॉर्मेटरी साइन यानी कि जो गाइडिंग साइन होता है वो क्या होता है दोस्तों, कभी भी आप लोग कहीं भी ट्रैवल करते होंगे रोड्स में, हाईवेज में, तो आप लोगों को एक बड़ा सा बोर्ड दिखता होगा जिसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा कि दिल्ली जाने के लिए सीधा जाएं, मुंबई जाने के लिए इधर जाएं, मुंबई यहाँ से इतना किलोमीटर दूर, दिल्ली यहाँ से इतना किलोमीटर दूर, होता है ना कुछ इस तरह का रोड में साइन दिया हुआ रहता है, ये है NH3, ये है NH4। तो इस तरह का जो हमारा साइंस होता है जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, आगे जाके आपको हॉस्पिटल मिलेगा, आगे जाके आपको स्कूल मिलेगा। तो इसी तरह के दोस्तों जो साइंस होते हैं इनको हम लोग इन्फॉर्मेटरी साइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको कहीं कहीं एक बड़ा सा बोर्ड जैसा दिखेगा हाईवे में, जब आप लोग जाते होंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर दिल्ली यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है, सीधे चले जाएँ तो दिल्ली मिल जाएगा, लेफ्ट टर्न ले ले तो मुंबई मिल जाएगा, इतना किलोमीटर पर मुंबई, इतने किलोमीटर पर गोवा, दिल्ली मुंबई, जो होता है ना इस तरह का कितना कितना किलोमीटर्स पे है या फिर किस साइड में हमें मुड़ना है, ये सभी चीज़ का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो उन्हीं साइंस को हम लोग जो है इन्फॉर्मेटरी साइंस बोलते हैं। कई बार जो है आपको रोड के किनारे में कंक्रीट के छोटे छोटे पिलर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा बवलपुर यहाँ पर से इतना किलोमीटर दूर है, रांची यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है, ओके। तो इस तरह के जो है कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटरी साइंस जो है जो आपको बताते हैं कि हम लोग कहाँ पर है और कहाँ जाने वाले हैं, आगे का रास्ता कहाँ जाने वाला है, ये सब जो है आपको एक तरह का इन्फॉर्मेशन देता है। तो यही साइंस सबको हम लोग जो है इन्फॉर्मेटरी साइंस बोलते हैं। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो शायद कोई लेटर्स हो सकता है, कोई लेटर्स में लिखा हुआ हो सकता है, उसका कोई फोटोज़ वगैरह भी हो सकता है। तो इन्फॉर्मेटरी साइंस दोस्तों कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर्स में दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहला फिगर जो है वो हमारा डायरेक्शन एंड प्लेस आइडेंटिफाइंग साइंस में आता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन साइंस, जिसमें कि हमारा हॉस्पिटल्स वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह, पब्लिक टेलीफोन्स वगैरह, पेट्रोल पम्प्स वगैरह का साइन रहता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आता है अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन साइंस, जो कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं नो थ्रो साइड रोड, नो थ्रो रोड्स, तो इस तरह टाइप का जो है अदर यूजफुल साइंस हमारा होता है इन्फॉर्मेटरी साइंस में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों पार्किंग साइंस। तो पार्किंग साइंस में आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर होता है, ऑटो रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, साइकिल और स्कूटर स्टैंड, तो इस तरह टाइप का हमारा जो है पार्किंग साइंस होता है। तो दोस्तों इसी तरह के कुछ साइंस जो होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस एरिया के बारे में, उस लोकेलिटी के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है, उस एरिया का फीचर्स आपको जो बताता है जो साइंस, वही साइंस जो है दोस्तों एक तरह से हम लोग के लिए इन्फॉर्मेटरी साइन का काम करता है और उन्हीं को हम लोग इन्फॉर्मेटरी साइन बोलते हैं। अब दोस्तों कई बार जो है डिफरेंस पूछ दिया जाता है कि इन्फॉर्मेटरी साइन के बीच और वार्निंग साइन के बीच क्या डिफरेंस है, या फिर आप कैसे पता करेंगे कि ये साइन जो है वो इन्फॉर्मेटरी साइन है और ये साइन जो है वो वार्निंग साइन है। तो काफ़ी सिंपल सी बात है, वार्निंग साइंस जो है वो काफ़ी कंपलसरी टाइप के साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस जो है वो मैंडेटरी होते हैं, उनको देना ही देना है। अगर हम लोग का वहाँ पर रोड में कोई ख़राबी है तो हमें वार्निंग साइन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन
जो इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं वो इतने ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार आप जो है हॉस्पिटल्स वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर जगह जो है ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आगे चल के हॉस्पिटल है, आगे चल के यहाँ पर स्कूल है, धीरे चलाएं, हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं पर स्टॉप का साइन होगा या फिर कहीं पर टर्निंग का साइन होगा, तो वो सब जो है वार्निंग साइंस होते हैं। ये सब जो आप है आपको हर जगह देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सब जो है वार्निंग साइंस है। ओके, तो वार्निंग साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो हमारे इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं वो थोड़े बहुत अगर हम लोग कहीं मिस कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है उससे, लेकिन देना ज़रूरी होता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो हमारा वार्निंग साइन है वो एकदम मैंडेटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जो इन्फॉर्मेटरी साइंस है वो तो एक तरह से हमें उस एरिया का फीचर बताता है, तो उतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। ओके, और दोस्तों एक और बात जो मैंने आपको शायद बताया नहीं कि ये जो साइंस होते हैं ना, इनमें आज के टाइम पे, आज के मॉडर्न टाइम पे हम लोग जो है रेडियम का यूज़ करते हैं। रेडियम का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है जिससे कि हमें रात को भी ये अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, आप लोग आमतौर पर देखते होंगे कि रात को जब भी कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं आप लोग, तो आपके जो हेडलाइट्स होते हैं उनके कारण ये जो है साइंस चमकने लगते हैं रात को। ये इसलिए होता है ताकि हमें अच्छे से जो है रात को विजन क्लियर आ जाए, इसलिए हम लोग जो है उस पर रेडियम का यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो है अच्छी तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन हो पाए और हमें जो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसमें जो है रेडियम का उपयोग करते हैं ताकि रात को हमें क्लियरली सारे साइंस जो है अच्छे से दिखाई दे सके। तो दोस्तों यही होते हैं हमारे रोड साइंस। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस आता है वो है हमारा रोड मार्किंग्स। तो दोस्तों रोड मार्किंग्स क्या होता है? अब दोस्तों आप लोगों ने रोड में गाड़ी तो चलाया ही होगा, रोड में आप लोग देखते होंगे वाइट वाइट टाइप का पट्टी जो है दिया हुआ रहता है, रोड में मार्किंग किया हुआ रहता है, किया जाता है ना, वाइट वाइट पट्टी दिया हुआ रहता है। कहीं कहीं ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है तो वहाँ पर वाइट वाइट पट्टी दिया हुआ रहता है ताकि वहाँ पर जो है लोगों को रोड क्रॉसिंग करने में जो है सुविधा हो। तो इस तरह के जो है रोड में कुछ मार्किंग्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं रोड के ट्रैफिक को मेंटेन करने में। अब ये भी कई तरह के होते हैं, कई तरह से ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से ये जो है दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो रोड मार्किंग्स वगैरह है ना, ये काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ होते आ रहा है और आज के टाइम पे भी हम लोग इसको यूज़ में लाते हैं, बस थोड़ा सा हम लोग इसको एडवांस कर दिए हैं। रात के टाइम पे आप लोग देखते होंगे रेडियम वगैरह का मार्किंग के लिए भी हम लोग इसमें जो है रेडियम वगैरह का यूज़ करते हैं, रेडियम प्लेट्स वगैरह डाला जाता है रोड में। तो वो सभी छोड़िए, फिलहाल वो भी मार्किंग के लिए ही यूज़ हो रहा है। तो रोड मार्किंग्स जो है एक तरह से हमें समझ में आता है कि पुराने टाइम से लेके अभी के टाइम तक भी हम लोग जो है रोड मार्किंग का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रोड के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स वगैरह जो है मार्किंग करके बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है रोड क्रॉसिंग करने के लिए लोगों को जो है पैदल आर पार होने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह जगह में जो है हम लोग रोड मार्किंग्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक और तरह से देख सकते हैं कि रोड का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, सेंटर लाइन में रोड का जो है एक डैश डैश करके जो है वाइट वाइट मार्किंग किया हुआ रहता है, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर सिंगल लेन में रोड है तो वो एक तरह से रोड को एक दूसरे से बांट देता है, दो रोड टाइप का जो है वो बना देता है ताकि व्हीकल जो है एक तरफ से जा सके एक तरफ से आ सके। तो इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंस है रोड मार्किंग करने के, कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं रोड मार्किंग आखिर किया कैसे जाता है और इनको करने का तरीका क्या है। अब दोस्तों आप लोग रोड में काफ़ी बार सफ़र कर चुके होंगे और आपने रोड में जो है मार्किंग्स तो देखा ही होगा। तो दोस्तों वो रोड में हम लोग कोई भी मार्किंग ऐसे ही नहीं कर देते हैं, मार्किंग करने के लिए भी हम लोग काफ़ी सारा लॉजिक यूज़ करते हैं। जो हम लोग मार्किंग करते हैं दोस्तों उसका भी एक स्पेसिफिक कलर होना चाहिए जो कि हमारा आँख में जो है कॉन्ट्रास्ट सबसे ज़्यादा बनाए। फॉर एग्जांपल दोस्तों जो बिटुमिनस रोड्स होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर में सबसे अच्छा दिखने वाला कलर कौन सा होता है? जो कलर हम लोग ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा हमें हमारे लिए हाईलाइटेड होगा, जो हमारे आँखों में सबसे पहले आएगा, वो कलर कौन सा होता है? ब्लैक कलर में जनरल सी बात है हमें वाइट कलर ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छा से दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग ब्लैक रोड में जो है वाइट कलर के स्ट्राइप्स को, यानी कि जो हमारे मार्किंग्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे 10 सेंटीमीटर एटलीस्ट हमारा थिक होना चाहिए। ठीक है, कई बार जो है हम लोग येलो कलर के मार्किंग्स को भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें स्पीड ब्रेकर वगैरह जो है शो करना रहता है, कर्व्स वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम लोग येलो कलर के मार्किंग्स को भी शो करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों जो हमारा रोड मार्किंग्स है इनको भी चार तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो चलिए इनको भी थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा पेवमेंट मार्किंग, फिर आता है हमारा केव्स मार्किंग, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट मार्किंग, और लास्ट में आता है हमारा रिफ्लेक्टर दोस्तों यूनिट मार्किंग। तो चलिए दोस्तों इन सभी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा पेवमेंट मार्किंग। तो पेमेंट मार्किंग क्या होता है? तो दोस्तों जो हम लोग रोड के ऊपर रोड के पेमेंट में जो मार्किंग करते हैं, जो हमारा सेंटर लाइन एक मार्किंग होता है डैश 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 डैश, फिर हमारा लेन मार्किंग होता है, नो पासिंग जोन होता है, स्टॉप लाइन होता है, क्रॉस वे लाइन होता है, फिर हमारा पार्किंग स्पेस लिमिट होता है, तो ये सभी जो है दोस्तों ये सभी हमारे पेमेंट मार्किंग्स में आते हैं जो कि हम लोग पेमेंट के ऊपर करते हैं। ठीक है, जो जीब्रा क्रॉसिंग वगैरह होता है ये सभी हमारा पेमेंट मार्किंग होता है। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है केब्स मार्किंग। तो केब्स मार्किंग यानी कि जो हमारे फुटपाथ वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर मार्किंग किया हुआ रहता है फुटपाथ के लिए, जो फुटपाथ को हमारा रोड से सेपरेट करता है, जो हमारा बताता है कि ये फुटपाथ है यार, यहाँ पर गाड़ी मत चलाओ, तो उस तरह के मार्किंग्स को हम लोग जो है केब्स मार्किंग बोलते हैं, जो कि हमारा फुटपाथ में किया जाता है। ओके, तो इसको हम लोग केब्स मार्किंग बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट मार्किंग। अब ऑब्जेक्ट मार्किंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट मार्किंग दोस्तों हम लोग उस मार्किंग को कहते हैं जो कि हमारा आने वाला ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ट्रैफिक आइलैंड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर आइलैंड होता है या वगैरह वगैरह टाइप का चीज़ होता है, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम अगर हमारा मार्किंग में प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है कि आगे चल के हमारा जो है गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए या वगैरह वगैरह कुछ हो जाए, तो वहाँ पर जो है हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के मार्किंग्स को यूज़ करते हैं जिनको हम लोग ऑब्जेक्ट मार्किंग बोलते हैं, और उस मार्किंग को यूज़ करके हम लोग जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक आइलैंड है, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो ट्रायंगुलर हो, वहाँ पर जो है हमारा यूज़ किया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके और अच्छे से जो है वहाँ पर हमारा ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग। अब रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग दोस्तों वही होता है जो मैंने आपको बताया ना, रेडियम वगैरह डाला जाता है, एक रिफ्लेक्टर यूनिट डाला जाता है रोड में जिसको यूज़ किया जाता है ताकि हमारा रात को जो है विजन अच्छा आए, विजन क्लियर आए, रात को हम लोग जो है मार्किंग्स रोड का अच्छा से विजिबल हो सके, तो इसलिए हम लोग जो है रेडियम वाले रिफ्लेक्टर्स को यूज़ करते हैं रोड में मार्किंग करने के लिए। तो दोस्तों यही था हमारा रोड मार्किंग्स। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस आता है रोड सिग्नल्स। तो रोड सिग्नल्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपने रोड सिग्नल्स तो देखे ही होंगे, रोड में जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होते हैं ना, वही होता है हमारा रोड सिग्नल। तो ट्रैफिक लाइट्स में हमारा जनरली जो है थ्री कलर का लाइट होता है, एक होता है रेड सब जो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है एम्बर, फिर उसके नीचे होता है ग्रीन। ठीक है, तो रेड जो होता है वो जो रेड कलर होता है वो दर्शाता है स्टॉप को, यानी कि रुकना, रेड कलर का मतलब होता है रुक जाओ। ठीक है, रेड कलर आपको जहाँ भी दिखे वहाँ उसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, रुक जाना है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एम्बर कलर, जो कि थोड़ा थोड़ा पीला टाइप का होता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है तैयार हो जाओ आगे जाने के लिए या फिर तैयार हो जाओ रुकने के लिए, क्योंकि रेड के पहले भी आता है पीला कलर और रेड के बाद भी पीला कलर आता है। ठीक है, तो एम्बर का मतलब आपको तैयार रहना है, ठीक है, रुकने के लिए या तो चलने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ग्रीन कलर, ग्रीन का मतलब होता है गो, तो ग्रीन कलर जब भी आपको दिखे तो समझ लिए रास्ता साफ है, आपको जाना है। ठीक है, तो इसी तरह टाइप का हमारा कुछ ट्रैफिक लाइट्स होता है। जैसा कि दोस्तों आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक टिपिकल ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है, ट्रैफिक कंट्रोल एक ट्रैफिक लाइट है, तो इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं एक टाइमर लगा हुआ है जिसमें कि हमारा कुछ टाइम वगैरह चलते रहता है, तो मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लोग इस तरह के टाइमर वगैरह सिस्टम वाला जो है ट्रैफिक लाइट यूज़ करते हैं, जिसमें कि टाइमर चलते रहता है, इतना देर तक रेड लाइट जलेगा, इतना देर तक ग्रीन लाइट जलेगा, इतना देर तक पीला लाइट जलेगा, तो इसी तरह का जो है टाइमर वाला सिस्टम मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ होता है। लेकिन कई सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इवन हमारा जो इंडिया है यहाँ पर भी कई सारे ऐसे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर कुछ एडवांस तरीके के ट्रैफिक लाइट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि कुछ सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और उसी हिसाब से हमारा जो है लाइट्स अपने सेंसर्स के डेटा के हिसाब से जो है अपना पोजीशन चेंज करता है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो रेड लाइट उस साइड में जल जाएगा, कम ट्रैफिक होगा तो ग्रीन लाइट जल जाएगा, तो इस तरह का जो है हमारा वहाँ पर उस टाइम सेंसर्स होता है जो कि उस टाइम वर्क करता है। ठीक है,
तो इस तरह टाइप का जो है काफ़ी सारे डेवलप्ड सिटीज़ में जो है यूज़ में लाया जाता है। इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे मेट्रो सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद है, मुंबई है, इस तरह जगह में जो है हम लोग सेंसर्स वाले ट्रैफिक सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन छोटे मोटे शहर में आपको जो है टाइमर वाले ट्रैफिक सिस्टम्स जो है ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ट्रैफिक लाइट्स की टेक्नोलॉजी यहीं तक सीमित नहीं है, कई सारे ऐसे भी कंट्रीज़ है और कई सारे ऐसे भी बड़े बड़े सिटीज़ है हमारे इंडिया में जहाँ पर और भी ज़्यादा एडवांस तरीकों को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसे भी टेक्निक्स है जो कि हमारे रोड के नीचे कुछ कुछ ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं जो कि व्हीकल के वज़न को नाप लेते हैं और उसी से हमारा जो है रोड का डेंसिटी नाप लिया जाता है जिससे कि हमारा ट्रैफिक लाइट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे सेंसर्स। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं आप बड़े शहरों में जाएंगे तो ट्रैफिक लाइट्स के नीचे आपको जो है कुछ डब्बा जैसा देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा डब्बा, वो ऐसे ही लगा हुआ नहीं रहता, उसके अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं जो कि सभी चीज़ कैलकुलेट करते हैं और वो ट्रैफिक सिग्नल में जो है वो भेजते हैं जिससे कि ट्रैफिक लाइट्स जो है वो कंट्रोल होता है। जो कि जैसे कि आप लोग रात के टाइम देखते होंगे कई बार जो है भीड़ भड़का कम होता है तो उस टाइम जो है ग्रीन लाइट ऑलवेज जला हुआ रहता है, कई बार जो है भीड़ भड़का ज़्यादा होता है तो उस टाइम रेड लाइट ऑलवेज जला हुआ रहता है। तो इस टाइप का जो है कई बार इस तरह का हमारा जो है इसमें हमारा मैनिपुलेशन होते रहता है। इसमें जो है वो देखता है सेंसर्स और कंप्यूटर्स हमारे देखते हैं कि कब जो है किस तरह के टाइम में हमारा जो है ट्रैफिक लाइट कौन सा जलना चाहिए, तो ये सभी सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ट्रैफिक लाइट्स होते हैं जो कि सिर्फ टाइमर्स की मदद से चलते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसे कुछ अभी आजकल जो है टाइमर की मदद से चलने वाले इनको जो है ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया जाता है, ये जो है पहले से जो सेटअप किए हुए होते हैं उनको ही अभी आजकल थोड़ा बहुत यूज़ में लाते हैं। लेकिन जो एडवांस तरीका है वो आजकल जो है न्यू न्यू ट्रैफिक सिस्टम्स को जो है एडवांसमेंट में ही बनाया जा रहा है जिनमें कि सेंसर्स आजकल लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों यही है हमारा रोड सिग्नल्स में जो कि हम लोग ट्रैफिक लाइट्स के बारे में समझ गए, यही थे दोस्तों हमारे रोड सिग्नल्स। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस आता है रोड आइलैंड्स। तो रोड आइलैंड्स क्या होता है चलिए देखते हैं। तो यार रोड आइलैंड्स एक्चुअली वो होते हैं जो कि छोटे छोटे द्वीप बनाए जाते हैं ना रोड के बीच में, ताकि कहीं भी जो है हमारा क्रॉसिंग्स वगैरह होता है या फिर जहाँ पर हमारा चार या तीन रोड एक साथ मिलते हैं तो आप लोगों ने देखा हो रोड के बीच में जो है छोटा सा एक स्पेस टाइप का रख दिया जाता है, बना दिया जाता है रोड में, एक छोटा सा आइलैंड टाइप का बना दिया जाता है जहाँ पे फेमस पर्सन्स का जो है स्टैचूज़ वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू जो है बीच में लगाया दिया जाता है और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक छोटा सा आइलैंड बना देते हैं सर्कुलर टाइप का जिसमें कि हमारा व्हीकल जो है एक चक्कर लगा करके दूसरे रोड में जाता है। तो इस तरह का जो है हम लोग रोड आइलैंड्स बनाते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो रोड आइलैंड्स भी दोस्तों कई तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल डिविजनल आइलैंड्स होते हैं, चैनलाइजिंग आइलैंड्स होते हैं, पेडिस्ट्रल आइलैंड्स होते हैं, फिर हमारा दोस्तों रोटेटरी आइलैंड्स भी होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप फिगर्स में देख सकते हैं किस तरह का हमारा चैनलाइजिंग आइलैंड्स होता है, पेडिस्ट्रल आइलैंड्स होता है, फिर हमारा रोटेटरी आइलैंड्स किस तरह का होता है। रोटेटरी आइलैंड्स दोस्तों कई तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कुलर आइलैंड है, फिर हमारा इलेप्टिकल शेप आइलैंड है, फिर हमारा स्क्वायर शेप्ड आइलैंड है और लास्ट में आता है दोस्तों हमारा रेक्टेंगुलर शेप्ड आइलैंड। तो इस तरह के दोस्तों हम लोग जो रोटेटरी आइलैंड्स होते हैं यहाँ पर हम लोग का मेनली जो है चार रास्ते आपस में मिलते हैं और इसी तरह से दोस्तों हमारा जो चैनलाइजिंग आइलैंड होता है यहाँ पर तीन रास्ते एक दूसरे से आपस में मिलते हैं और बीच में हमारा आइलैंड होता है जहाँ पर हमारा व्हीकल जो है वो चक्कर लगाते हुए रोड को चेंज करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है हमारा कुछ यहाँ पर सिस्टम होता है जो कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में आता है और जिसको हम लोग रोड आइलैंड्स या फिर ट्रैफिक आइलैंड्स भी बोलते हैं। तो यार यही था हमारा ट्रैफिक आइलैंड और इसी के साथ दोस्तों हमारा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग रोड इंटरसेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।